दोस्तों, शाहरुख खान की फिल्म पठान बॉक्स ऑफिस पर काफी जबरदस्त कमाई कर रही है, लेकिन आज हम बात करेंगे शाहरुख खान की फिल्म पठान और यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के 14 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे इन 14 दिनों में कौन सी फिल्म का इंडियन कलेक्शन और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा ज्यादा, और कौन सी फिल्म बनी इंडिया और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म, और कौन से सुपरस्टार बना इंडिया का और वर्ल्ड वाइड का सबसे बड़ा सुपरस्टार। तो दोस्तों, यह सब जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल कलेक्शन टेक को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको लेटेस्ट इंडियन, साउथ, नेपाल और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की मिलती रहेगी सबसे पहले। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में। आपको बता दें, केजीएफ चैप्टर 2 फिल्म को लेकर एक अलग ही क्रेज था, जिस वजह से फिल्म अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही काफी बड़ा धमाका करने में कामयाब रही। वो फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भी रिलीज होते ही काफी बड़ा धमाका किया और लगभग 134 करोड़ रूपए से भी ज्यादा की कमाई की। लेकिन अगर यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के 14 दिनों के टोटल कलेक्शन की बात करें, तो इस फिल्म ने अपने 14 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस से लेकर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी पकड़ बनाए रखी, और फिल्म ने अपने 14वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ 90 लाख रुपए कमाए, जिस वजह से फिल्म का 14 दिनों का टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 672 करोड़ 80 लाख रुपए से भी ज्यादा रहा। वहीं फिल्म अपने 14 दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 948 करोड़ 60 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई करने में कामयाब रही। लेकिन अगर इस फिल्म से शाहरुख खान की फिल्म पठान का कंपेयर करें, तो पठान फिल्म को सिर्फ 250 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया। वहीं फिल्म को लेकर हिंदी ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, जिस वजह से फिल्म ने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही काफी बड़ा धमाका किया। लेकिन अगर फिल्म के 13वें और 14वें दिन यानी आज कलेक्शन की बात करें, तो शाहरुख खान की फिल्म पठान ने अपने 13वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी पकड़ बनाए रखी और लगभग 29 करोड़ 40 लाख रुपए कमाए, जिस वजह से फिल्म का 13वें दिन का सभी लैंग्वेज का हिंदी, तमिल, तेलुगु बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 30 करोड़ 3 लाख रुपए के आसपास रहा। वहीं फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी काफी बड़ा धमाका करते हुए 46 करोड़ रुपए कमाए, जिस वजह से फिल्म को लेकर 14वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर काफी जबरदस्त ग्रोथ देखी गई। और रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म आज अपने 14वें दिन यानी सेकंड मंडे होने की वजह से थोड़ी सी ड्रॉप आ रही, जिस वजह से हो सकता है फिल्म का आज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 8 करोड़ 40 लाख रुपए के आसपास रहे। वहीं फिल्म आज अपने सभी लैंग्वेज में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भी 8 करोड़ 75 लाख रुपए के आसपास कमाई कर लेगी। वहीं फिल्म का आज का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 14 करोड़ रुपए के आसपास रहेगा, जिस वजह से शाहरुख खान की फिल्म पठान का 14 दिनों का टोटल हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 449 करोड़ 40 लाख रुपए हो जाएगा। लेकिन फिल्म 14 दिनों में सभी लैंग्वेज में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ा धमाका करेगी और लगभग 465 करोड़ 17 लाख रुपए का जबरदस्त आंकड़ा पार कर देगी, जिस वजह से फिल्म का 14 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन उम्मीद के मुताबिक 3 गुना ज्यादा रहेगा। वो फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 874 करोड़ 25 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई कर लेगी। तो दोस्तों, आज के और अभी तक के टोटल कलेक्शन के मामले में तो यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 का कलेक्शन रहेगा ज्यादा, जिस वजह से यश बनेंगे इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार और केजीएफ 2 बनेंगे इंडिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म। लेकिन आप इन दोनों सुपरस्टार में से कौन से सुपरस्टार को कहोगे इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार, और कौन से फिल्म को कहोगे इंडिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म, शाहरुख खान की फिल्म पठान को या यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 को? आपकी राय नीचे कमेंट कर जरूर बताओ। हमारे साथ आए तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे आपको शाहरुख खान की फिल्म पठान के साथ साथ लेटेस्ट इंडियन मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट मिलती रहेगी सबसे पहले।